एसिड अटैक की घटनाओं को लेकर कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रधानमंत्री मोदी के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे पर यूपी की योगी सरकार से लेकर केंद्र तक को घेर रही है। देश प्रदेश में बेटियों पर बढ़ रहे अत्याचारों के खिलाफ बीजेपी सरकार की ढुलमुल नीति को जिम्मेदार ठहरा रही है। ऐसे में कांग्रेस के यूपी चीफ अजय राय एसिड अटैक पीड़िताओं के संरक्षण की मांग सरकार से कर रहे हैं। बता दें कि विगत 2 जुलाई को यूपी की राजधानी लखनऊ में एसिड अटैक की एक और घटना सामने आई थी। बीते मंगलवार को लखनऊ के चौक स्थित लोहिया पार्क के पास मौसेरे भाई के साथ जा रही छात्रा पर युवक द्वारा एसिड फेंका गया, जिससे छात्रा और उसका भाई दोनों घायल हो गए थे। इस घटना के पीड़ितों से मिलने कांग्रेस महिला विंग की टीम पहुंची थी। ऐसी घटनाओं पर कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने बीजेपी और योगी सरकार को निशाने पर लिया है। ये केवल और केवल झूठी बात बोल रही है। आज हमारी महिला विंग ने आज यहाँ के जो बिटिया हॉस्पिटल में जीवन और मौत से जूझ रही है, जिस पर एसिड अटैक हुआ है, वो भी हमारी सभी हमारी महिलाओं ने वहाँ जाकर हमारे जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है ममता जी और इनके साथ पूरी टीम जाकर वहाँ पर इन लोगों ने उस परिवार का हालचाल लिया, उस बच्ची का हालचाल लिया और निश्चित तौर से बहुत दुखद घटना है। ये जो भाजपा कहती है बेटी बचाओ व बेटी पढ़ाओ, ये पूरी तरीके से झूठी और केवल लफाजी वाली बातें हैं। सबसे ज़्यादा शोषण सबसे ज़्यादा आज मुरादाबाद के अंदर भी ऐसी घटना घट रही है, वहाँ पर भी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं कॉलेज में। मैं समझता हूँ कि ये भाजपा के जहाँ भी सरकार चल रही है वहाँ सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हमारी बच्चियाँ हैं, हमारे परिवार की ये बच्चियाँ और हमारे परिवार की महिलाएँ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पार्टी की महिला विंग के साथ एसिड अटैक पीड़ितों के बीच भी पहुंचे। लखनऊ के गोमती नगर स्थित शिरोज कैफे पर पहुंचकर अजय राय ने एसिड अटैक पीड़ितों से मुलाकात कर उनका दुख दर्द जाना। गौरतलब है कि राजधानी का शिरोज कैफे एसिड अटैक पीड़ित लड़कियों द्वारा ही संचालित किया जाता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यहां कहा कि एसिड अटैक की घटनाएं प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे में महिला कार्यकर्ताओं के साथ यहां आकर बच्चियों को भरोसा दिलाया है कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। जानकारी है कि यहाँ सिरोज जो ये रेस्टोरा है, ये ऐसा एक स्थान है जो एसिड अटैक्स की जितनी भी हमारी बच्चियां हैं उनके द्वारा यह संचालित होता है। तो निश्चित तौर से आज पूरे प्रदेश के अंदर इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लखनऊ के अंदर भी एक होनहार बेटी के साथ ऐसी घटना घटी है। तो हम सब लोग आज यहाँ आए हैं, कम से कम अपने पूरे पार्टी की तरफ से, पूरे अपने साथियों की तरफ से, अपनी महिला विंग की तरफ से हम सब लोग यहाँ आए हैं उनको ताकत देने, बल देने कि आप घबराना मत, पूरे हमारे के कार्यकर्ता आपके साथ है। जिन बच्चियों के साथ ऐसी दुर्घटना घटी है और ये सरकार नाकाम हो रही है, निश्चित तौर से उन बच्चियों को ताकत देने के लिए, उन बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए आज हम लोग सिरोज में आए हैं। हालांकि राजधानी लखनऊ की एसिड अटैक पीड़िता का मामला कांग्रेस द्वारा उठाए जाने पर पुलिस ने आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। लखनऊ पुलिस के DCP दुर्गेश कुमार ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान लखीमपुर निवासी अभिषेक वर्मा को पैर में पुलिस की गोली लगी है, जिससे आरोपी घायल हैं। ठीक होने के बाद पुलिस घटना के संबंध में आरोपी से पूछताछ करेगी। लखीमपुर निवासी अभिषेक वर्मा द्वारा यह घटना कारित की गई है। अभी रात में टीम को सूचना मिली कि गुलाला घाट के पास ये अभियुक्त मोटरसाइकिल से अपने खड़ा है। इसकी गिरफ्तारी के लिए जब प्रयास किया गया कि गुलाला घाट रोड पर मुड़कर भागने लगा, जब पुलिस टीम ने इसको घेरा, पुलिस टीम पर इसने फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में इसके पैर में एक गोली लगी, घायल हो गया है, जिसे अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। दरअसल यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने महिला अपराध पर कड़ा रुख अपनाने की बात कही थी। मुख्यमंत्री ने कहा था कि जिस चौराहे से महिला के साथ घटना करके अपराधी भागेगा, उससे अगले चौराहे पर उसे यमराज खड़ा मिलेगा। लेकिन उसके बाद से लगातार महिला अपराध के मामले यूपी में सामने आ रहे हैं, जिसमें से अधिकांश मामलों में पुलिस एक्शन लेती नहीं दिखी है, जिससे अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि विपक्ष बीजेपी और सरकार को महिला अपराध भी घेर रहा है। इतना ही नहीं, योगी सरकार की पुलिस पर विपक्ष बड़ा आरोप लगा रहा है कि यूपी में अपराध की जाति और धर्म देखकर कार्रवाई की जाती है, जिस पर पुलिस से लेकर सरकार तक को जवाब देते नहीं बन रहा है। ऐसे में सरकार के बड़े बड़े दावे महज बयानबाजी और दिखावे तक ही सीमित होते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी TV।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।